एवरीवन, मैं हूं साइली बलगे और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आवाज़ें भी में। आवाज़ें भी में किसी सोच है जो युवाओं को संगठित करता है और सभी युवाओं को संगठित करना आवाज़ें भी का लक्ष्य है, जो कि आज के काल में बेहद महत्वपूर्ण है। तो आवाज़ें भी में आज हमारा विषय है गौतम बुद्ध ने दिए हुए 3 सिद्धांत, जिसके भरोसे पूरा बुद्ध धर्म चलता है। तो चलिए जानते हैं इस विषय के बारे में। महाकारुणिक गौतम बुद्ध ने बुद्ध धर्म का आविष्कार किया और उस बुद्ध धर्म में उन्होंने 3 सिद्धांत दिए हैं, जो है पहला है प्रज्ञा, दूसरा है शील और तीसरा है करुणा। पहला है प्रज्ञा। प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि, तर्क बुद्धि, जो कि किसी भी चीज की या फिर वस्तु की या फिर जीव की अगर हम उसकी जांच पड़ताल करें या फिर उस विषय के बारे में जानें, उसका परीक्षण सत्य के रूप से करें, मतलब सत्य का ज्ञान होना मतलब प्रज्ञा का अर्थ होता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो मनुष्य को कभी भी कोई भी जीव या वस्तु को उसी तरीके से देखना चाहिए, मतलब उसी तरीके से जानना चाहिए जिस तरीके की वो वस्तु या जीव हो, मतलब जो सत्य है उसे उसी रूप से, मतलब सत्य ढंग से उसे स्वीकार करना ही असली ज्ञान होता है, मतलब प्रज्ञा होती है। दूसरा जो सिद्धांत है वो है शील। शील में बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे कि वैचारिक, नैतिक, मानसिक और शारीरिक। दुनिया भर में इस जीवन में बहुत से लोग हैं और हर एक लोगों का, हर एक व्यक्ति का जीवन जीने का जो तरीका होता है वो हमेशा अलग होता है, एक समान नहीं होता, सबका सेम नहीं होता, सबका सरेखा नहीं होता और सब अपने अपने तरीके से अपना जीवन बिताते हैं। और जो काम हम अपने जीवन में करते हैं, जो कर्म करते हैं, जो काम करते हैं, उस काम को, चाहे फिर वो कोई भी काम रहे, वो काम अगर हम सही तरीके से करते हैं, गलत तरीके से नहीं करते हैं, वो होता है शील। जैसे कि शराब जैसे पदार्थों का सेवन न करना, झूठ न बोलना, व्यभिचार न करना, सत्य ही बोलना, चोरी नहीं करना, ये जितने भी गलत काम है ये नहीं करना, मतलब अपने शील में रहना, अपने जीवन के कामों को, फिर वो प्रैक्टिकल रहे या मानसिक रहे या फिर किसी भी तरीके के रहे, वो हमेशा सही ढंग से करना चाहिए। इसमें गलत काम मनुष्य को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस ये सब बातें शील में आती है। तीसरा जो सिद्धांत है वो है करुणा। करुणा का मतलब होता है सभी मनुष्य के प्रति प्रेम पूर्वक भाव से देखना, मतलब हर एक मनुष्य के प्रति, हर एक इंसान के प्रति, हर एक लोगों के प्रति अगर हम प्रेम पूर्ण भाव से देखें, दान करें या फिर दया करें उन पे। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि कोई इंसान गरीब होता है, कोई अमीर होता है, कोई ज़्यादा हाई पोस्ट पे रहता है, कोई छोटे काम करता है, तो हर एक इंसान को बराबरी का जो दर्जा होता है, जो कदर होती है या फिर जो वैल्यू उन्हें देनी चाहिए होती है, एक दूसरे को वो देते नहीं है। तो करुणा में ये सारी बातें आती है कि अगर हम सामने वाले इंसान को अगर हम देखते हैं तो वो उन्हें हमेशा हमारी तरह ही उनको देखना चाहिए। अगर एक सेंटेंस में अगर करुणा का अर्थ मैं बताऊँ तो वो ये है कि गौतम बुद्ध कहते हैं कि जैसे सामने वाला इंसान है वैसा मैं हूँ, वैसा मैं हूँ वैसे सामने वाला इंसान है। तो इसी का अर्थ है करुणा, जिसे हमेशा मैत्रीपूर्ण और प्रेमपूर्ण भाव से सामने वाले इंसान को देखना चाहिए। और ये है गौतम बुद्ध ने बताए गए वो 3 सिद्धांत, जो कि है प्रज्ञाशील और करुणा। गौतम बुद्ध ने ये जो 3 सिद्धांत बताए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बुद्ध धर्म के लिए और सारे मनुष्य मात्र के लिए। अगर ये 3 सिद्धांत सभी फॉलो करें तो वो हमेशा ही अपने जीवन में सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि ये जो 3 सिद्धांत है वो डायरेक्टली जुड़े हैं मानसिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से, और बुद्ध धर्म साइंटिफिक है और प्रैक्टिकल है। तो इसी को लेकर ये 3 सिद्धांत गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म में दिए हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।